गुलाब जामुन बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 केजी दूध मैंने यहाँ पे लिया है, तेल यहाँ पे फ्राई करने के लिए लिए हुए हैं, 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है, 2 हरी इलायची, 1 कटोरी चीनी। सबसे पहले हम पैन चढ़ाएंगे और उसमें ये दूध पूरा डाल देंगे, क्योंकि इसे हमें अच्छे तरीके से पकाना है और इसका खोआ बनाना है। तक ये बॉयल होता है उसके तब तक हम चीनी का चाशनी तैयार कर लेते हैं। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक हम चीनी का चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े गिलास से पानी लिया है और इसमें अब हम ये 1 कटोरी चीनी डालेंगे। 1 तार की हमें चाशनी चाहिए। इसे हम धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे हमें चीनी को अच्छे तरह से गलाना है। अब देखिए चाशनी में उबाल आ गया है। इसमें हम इलायची इस तरह से तोड़ के डाल देंगे ताकि इसमें अच्छे तरह से थोड़ा सा सुगंध भी आ जाए और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसे हमें 5 मिनट तक लो आंच पर पकाना है। देखिए दूध में अब बॉयल आ रहा है। हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि दूध चिपके ना नीचे से और ना बाहर से फेंक दे, क्योंकि हमें इसका खोआ बनाना है अच्छे तरह से। देखिए मैं लगातार इसको चला रही हूँ ताकि नीचे से वो चिपके ना। साइड साइड से हमें इस तरह से इसको छाली को बीच में करना है। देखिए ये 1 तार की चाशनी बनकर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, तब तक ये ठंडा होगा। दूध भी देखिए पहले से अब थिक होने लगा है, बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है अब धीरे धीरे। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। इसे हमें पकने में कम लगता है खोआ बनाने में, क्योंकि दूध पानी की तरह पतला होता है तो हमें इसमें थोड़ा समय लगता है। अब देखिए दूध पूरे अच्छे तरह से सूखने लगा है। अब थोड़ा सा और रह गया है, इसी तरह से हमें लगातार चलाते रहना है ताकि इसका खोआ बन जाए अच्छे से। अब देखिए खोआ पूरी तरह से बन के तैयार हो रहा है। बस इसे और हमें 2 मिनट इसी तरह से चला के गैस ऑफ कर देना है। देखिए अब खोआ बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। इसे हम एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसको मैदा के साथ मिला के मिक्स करेंगे। अब खोआ ठंडा हो गया है। अब हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है ताकि हम इसका गोल गोल अच्छे से बना सके। 1 चम्मच इसमें हम मैदा ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है तो उसको थोड़ा सा ड्राई करने के लिए। अब देखिए पूरी अच्छे तरह से इसको हमने गून लिया है। अब एक हम इस तरह से लेंगे, इसको हम अच्छे से गोल करना है दोनों हाथों से ताकि इसमें दरार ना रहे, नहीं तो चाशनी में जाने से वो फट सकता है। इसको गोल गोल करना है। ये देखिए इस तरह से पूरे गोल हो जाने चाहिए कि कहीं से भी दरार नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमें सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं। देखिए पूरे इस तरह से गोल करके मैंने लड्डू को तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें हम फ्राई करने के लिए तेल डालेंगे। पहले हमें तेल को हाई फ्लेम पे गर्म करना है, उसके बाद में हमें इसको एकदम मीडियम पे कर देना है। अब इसमें हम धीरे धीरे एक एक बॉल डालेंगे खोआ का। डाल दिया, इसे हमें चारों तरफ से पलट पलट के सेक लेना है अच्छे तरह से। देखिए इसका धीरे धीरे कलर भी चेंज हो रहे हैं। इसे हमें और 5 मिनट के लिए लो ही आंच पर धीरे धीरे पकाना है ताकि अंदर तक ये पक जाए। देखिए अब ये बनकर अच्छे से तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और चाशनी में डाल देंगे।
अब हमें चाशनी में सारे लड्डू जो हमने बनाए हैं वो डाल देने हैं। अब इसे हमें 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। अब गुलाब जामुन बनके पूरी तरह से तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।